जालौर जिले से सबसे बड़ी खबर, भारतमाला प्रोजेक्ट में 200 करोड़ का घपला को लेकर आज काउंसलिंग बार के पूर्व अध्यक्ष सदराम बिश्नोई ने एसडीएम को पेश किया ज्ञापन और उसमें बताया डिटेल वाइज कहां कहां हुआ घपला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस खबर का पूरा रुख जानने के लिए आगे देखिए वीडियो। और जीवा घोड़िया दो अवैध प्लांट चल रहे हैं और काफी दिन से हम मांग करें बंद करने की, क्या मजबूरी रही बंद नहीं हुई आज दिन तक? क्या आप बंद करने में सक्षम है या करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, इसके बारे में हमारा जबल चाहिए। ये तो ज्ञापन कर रहे आपके क्षेत्राधिकार का दो प्लांट है, आज एक कुमार का छोटा सा कजावा, यदि कोई है तो उसको आप तत्काल जाके बंद करवाते हो, परंतु ये प्लांट है जिसमें भारतमाला चल रही है, इस प्लांट को बंद नहीं करने का क्या कारण रहा? बिना कन्वर्जन जिसमें 4 करोड़ का राजस्व हानि हो रही है एक प्लांट में, यदि इसको कन्वर्ट होता तो 4 करोड़ राजस्व फायदा होता, राजस्व आमदनी होती, वो नहीं हो रही है और आपने इतने दिन के ज्ञापन के बावजूद बंद नहीं करवाया, क्या कारण रहा? ये रिपोर्ट भी आई हुई है, एक बार पूर्व में भी ज्ञापन दिया आपने, पूर्व में भी ज्ञापन दिया, आज 16 तारीख को रिपोर्ट भेजी है कि ये कन्वर्जन है नहीं, ये मामला एक घंटे आप क्या रिपोर्ट देखो, अगर एक घंटे 16 तारीख को श्रीमान जी ने भेजी है नगर पालिका में के कन्वर्जन जमीन ये है नहीं, एक घंटों का मामला है, आप तत्काल प्रतिवारी से भेज कर 16 तारीख को आपने रिपोर्ट श्रीमान जी के साइन से भेजी है। मेरा निवेदन ये है कि ये एक घंटों में आप रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, परंतु आज दिन तक नहीं मंगाने का कारण क्या रहा और क्या आप सक्षम है इसमें? नगर पालिका का है परंतु तहसीलदार जी उसको बंद तो करवा सकते हो, जीवा का गोलिया नगर पालिका का नहीं है, जीवा का गोलिया आपके अंडर में है, क्षेत्राधिकार का है, तो उसमें आपने क्या कार्रवाई की? आप लेटर आपको 3 बार ज्ञापन दे दिया, आप लेटर नहीं 3 बार ज्ञापन दिया, आपने कोई कार्रवाई की क्या? ये तो एक घंटे का काम है, क्या ये कल तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा? देखो लेता हमारे लेवल का कोई भी पेंडेंसी, ये जीवा गोली आपके लेवल का मामला है, आपके लेवल का ही है, हमारे लेवल की कोई भी पेंडेंसी नहीं छोड़ेंगे, ये कल तक ये जीवा गोली प्लांट बंद होना चाहिए, ये आपका ये क्या आप इसमें उस कंपनी पे वसूली की कार्रवाई की जाए, जितना अवैध काम हुआ है किया है संपूर्ण वसूली मैं जीवा का गोली आपके अंडर में है और वो आज दिन तक बंद नहीं हुआ है और आप पहले भी एक बार जाकर के उसको नोटिस दे चुके हैं और उसको अवगत करा चुके हैं, फिर भी अभी बंद नहीं है, वो काम चल रहा है, इसको बंद कर कल तक ये बंद होना चाहिए, आप पर दबाव है क्या? तो फिर आपने नोटिस दिया बंद क्यों नहीं किया? आपका नोटिस भी दिया हुआ है शायद उसको, ये नॉलेज भी लाया हुआ है। सचिव महोदय देखिए आप भारतमाला के भ्रष्टाचार को लेकर 2 दिन से धरने पर है, इस बारे में पूरा क्या मामला है? भारतमाला में जो यूनिट नंबर 8 है, प्रोजेक्ट 8 है, उसमें करीब 200 करोड़ का घोटाला हम मानते हैं, इसमें भारतमाला में कंपनी ने इस भारतमाला को पूरी जो जमीन अवाप्त हुई है उसको 2 साइड से खोद करके जहां भारतमाला की रोड बननी है वहां पर मिट्टी डाल दी है और 2 मीटर तक नीचे ले गए इसको, भारतमाला को जो प्लेंथ लेवल जमीन लेवल से 1 इंच भी नीचे नहीं हो सकती उसको 2 मीटर तक नीचे ले गए और इस तरह से पूरे पुलिये है, अंडरपास ब्रिज है, वो 2 मीटर नीचे जाने से उसमें क्या है पानी भरा रहता है और कई तरह की समस्या आप आवागमन की होती है और आवागमन बरसात के दिनों में पूरी तरह से बाधित रहेगा और ये पूरा प्रोजेक्ट फेल है। उसके बावजूद भारतमाला में जो पुलिये थे उसके नीचे पोल खड़ी थी, उसमें बोरिंग करके और उसमें माल भरा था, वो आज 27 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी नहीं हुआ है। भारतमाला में जो यूज होने वाली वो थी भाई ककरेट जो यूज होने वाली थी वो बाड़मेर से लानी थी और बाड़मेर की सैंपल में पास है, जबकि इन्होंने चाटवाड़ा से लाए हैं जो मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर है। भारतमाला में इनको 33 मीटर तक जो चौड़ी रोड बनानी थी जो 33 मीटर ने बना करके 32 मीटर बनाई है और 32 मीटर के पुलिये बनाए हैं, 1-1 मीटर 27 किलोमीटर खा गए हैं। इस तरह से भारतमाला में जो छोटे छोटे पुलिये हैं वो पूरी पूरी जमीन में दबे हुए हैं, उनको बनाने का कोई औचित्य नहीं है, 74 छोटे पुलिये लगभग है और 11 बड़े पुलिये है जो पूरे पूरे जमीन में दबे हुए हैं, आधे जमीन में दबे हुए हैं, वहां से कोई आवागमन नहीं हो सकता। इसके बावजूद भारतमाला में जो पुलिये हैं शुरुआत में 2 पुलिये बने थे, उस टाइम में शिकायत हुई थी देवजी एम पटेल ने शिकायत की थी, उस पर जांच हुई थी, जांच होकर के 2 पुलियों का वेरिएशन 8 करोड़ 8 लाख रुपया वेरिएशन आया, मतलब 2 करोड़ 8 लाख रुपए का घोटाला, बनाना था उसको 10-10.5 करोड़ में और बना दिया था 8 करोड़ में।
इस प्रकार से मात्र 2.5 करोड़ में 2 पुलिया बना दिए और 8 करोड़ में खा गए। इस तरह से भाटपाड़ा में इस तरह से बहुत सारे घोटाले हैं, ऐसे 15 बिंदु है हमारे छोटे बड़े। आपके ऊपर कंपनी द्वारा 2.5 करोड़ रुपए अनुचित रूप से मांगने का आरोप है, आपका क्या कहना? ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस मामले में हमने इसमें 23 बारह को शिकायत की थी, उच्च अधिकारियों को इस भ्रष्टाचार के बारे में अवगत करवाया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर हमने एसटीएम को ज्ञापन दे करके इनके गेट पर धरना दिया था, तब जाकर के तब इतने में एक इनका कर्मचारी आया और वो पेमेंट मांग रहा था और उसके साथ में इस प्रधान ने हाथापाई की। जब हमने उसको जाके छोड़ाया और हम गवाह थे उसमें, तो हमारे को गवाह को दबाने के लिए और हमारे द्वारा की गई शिकायत को दबाने के लिए इन्होंने एक बेबुनियाद 2.5 करोड़ का एक आरोप